हमको ये डर सताने रहा है, ये सत्य है। ये लोगों के मन में जो डर है, जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकता है, जो राजनीतिक दल और उनके प्रधानमंत्री पुलवामा का एक घुनौना काम कर सकते, ऐसा आरोप है सत्यपाल मलिक जी जो बोलते हैं वहां के राज्यपाल कि पुलवामा हुआ नहीं किया गया चुनाव जीतने के लिए। गोधरा के बारे में भी यही कहते हैं लोगों के मन में शंका है। तो 2024 का चुनाव जीतने के लिए या लोगों में एक भय पैदा करने के लिए हमें डर है या हमें लगता है, हमें शंका है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में, उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर ट्रेन छोड़कर किसी ऐसे एरिया में ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पथराव पर ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे भर जाएंगे। इस प्रकार की शंका लोगों के मन में है, जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनके मन में है और यह हमारा काम है कि लोगों के सामने रखना। अगर नहीं है तो ये सरकार की जिम्मेदारी, इस प्रकार का कोई वारदात होने जा रही है तो उसे रोकना चाहिए। जिस तरह से हरियाणा में दंगे चल रहे हैं, भड़काए जा रहे हैं, तो उनका उदाहरण है। बारे में उद्धव ठाकरे साहब 30 तारीख को जो पत्रकार परिषद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है 30 तारीख को, तो शाम को 4 बजे ग्रैंड हयात में जहां ये इंडिया की बैठक होने वाली है वहां उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, नाना पटोले जी, अशोक राव चव्हाण कांग्रेस के नेता और भी सभी दल के नेता आएंगे और कल आपके साथ डायलॉग होगा और उसमें ये सब जो आपके सवाल है उसका जवाब मिलेगा। तो स्वरूप क्या होगा, थोड़ा सा क्लैरिटी दे पाए, क्योंकि लगातार कहा जाए कि बहुत बड़े कई मुद्दों को चर्चा जिस पर अभी आपने जिक्र किया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक इंडिया की मुंबई में, जहां हमारी सरकार नहीं है और सरकार जिस प्रकार से हमारी तोड़ दी है, पार्टी को तोड़ा है, एनसीपी को तोड़ा है, शिवसेना को तोड़ा है, तो इस पार्श्वभूमि पर ये मीटिंग हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। हमारी सरकार नहीं तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जहाँ उसके ऊपर चर्चा। सर, बीजेपी शासित राज्य है, ऐसे में जहाँ जिस जगह आप लोग की बैठक हुई वहाँ पर बग लगाया जा सकता है ताकि आप लोग की चर्चा लीक हो सके, जानकारी मिल सके। अरे भाई, जो लगाना हो लगा दो, बग लगा दो या बम लगा दो, हम डरने वाले नहीं है। मीटिंग होगी, सभी नेतागण आएंगे, राहुल जी आएंगे, सोनिया जी आएंगे, अखिलेश जी आ रहे हैं, लालू जी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला जी आ रहे हैं, केजरीवाल जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, स्टालिन साहब आ रहे हैं, ममता जी आ रही है, हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं, कौन चाहिए आपको, आप नाम ले लो, वो सब आ रहे हैं। हम क्या देखे, प्रधानमंत्री ने देखना चाहिए। अभी ब्रिक्स में गए थे तो चाइना के प्रीमियर को मिलकर आए हैं, गले लगाए हैं हमेशा की तरह, और उसके बाद ये चाइना का मैप आता है तो ये सवाल जो है उनको पूछना चाहिए, आपको कैसा लगता है। हमको, हमारा तो दिल टूट जाता है देखकर। राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सच है कि लड़ाख में पेंगोन वैली तक चाइना घुस गया है, हमारी जमीन चाइना ने खा ली है। ये राहुल गांधी की बात सच है, हमको भी मालूम है। अरुणाचल में चाइना घुसने की कोशिश करते हैं, करो सर्जिकल स्ट्राइक, हिम्मत है तो चाइना पर, हिम्मत है तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाइए। इंडिया में इस बारे में डिसाइड नहीं होगा इस बैठक में, हम तीनों बैठकर। आपकी पार्टी कितनी सीट्स के लिए आगे जा रही है, लोकसभा की सीट्स के लिए? देखिए, इस बारे में चर्चा अब नहीं होगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे 18 सांसद थे महाराष्ट्र से, वो 18 सांसद कायम रहे, वो आंकड़ा कायम रहेगा लोकसभा में, और एक दादरा नगर हवेली 19 के 20 हो गए, 19 के 15 नहीं हो गए।